अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। यूपी के कुशीनगर में बाबर अली को लोगों ने पीट पीट कर मारा, एक और मॉब लिंचिंग कह सकते हैं। अब इसको भीड़ की जानिब से कत्ल किया गया। इसमें पहले भी कई मुसलमानों की एक भीड़ की जानिब से पीट पीट कर मारे जाने की कई वारदातें हैं, पर इस मामले की नीयतें अलग है। बाबर के मारे जाने पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए अफसोस का इजहार करते हुए 2,00,000 रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अब बाबर की मौत पर इतनी चर्चा क्यों रही? हासिल इत्तला के मुताबिक बाबर भाजपा कारकुन था और योगी हिमायती था, चुनावी रैलियों में पेश रहता था। जाहिर है सभी जानते हैं कि खासकर मुस्लिम समाज में भाजपा को लेकर काफी नाराजगी देखी जाती है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ किसी न किसी तरह की साजिशें और कानून आए दिन पास किए जाते रहते हैं। यहाँ के आवाम का भी यही कहना है कि बाबर को बार बार समझाया गया था कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है और योगी भी मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। इसके बावजूद भी बाबर भाजपा के कामों में आगे रहता था। जब यूपी में योगी हुकूमत की अक्सरियत से जीत हुई तो इसने मिठाई तकसीम कर जश्न मनाया था, लिहाजा अवाम में गुस्सा था। 10 मार्च को भाजपा की जीत के बाद कुशीनगर रामकोला का रहने वाला बाबर झूम झूम कर नाचने लगा था। मकामी मुसलमानों के इससे सख्त नाराजगी थी। बिरादरी, पट्टीदार और पड़ोसियों में बाबर को लेकर बेहद गुस्सा था। वैसे जब से भाजपा की हिमायत में भाजपा का परचम लिए घूमने वाला बाबर को फोन के जरिए से पहले से ही धमकियां दी जा रही थी, लेकिन 20 मार्च को जो हुआ हैरान करने वाला मंजर था। कुछ लोग इसके घर में घुस गए और उन्होंने बाबर को बेरहमी से पीटा। 20-25 के गिरोह ने अधमरा करके वहां से भाग गए। बाबर अली को कुशीनगर अस्पताल में दाखिल किया गया। हफ्ते तक जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए बाबर दुनिया से चल बसा। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी का जश्न बाबर की मौत से हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने हिमायती की मौत पर ट्वीट पर अफसोस जताया, लेकिन इसकी मौत ने कईयों की नींदें उड़ा दी। मोहल्ले के मुसलमान भाजपा की हिमायत करने वाले को मुसलमानों का गद्दार के तौर पर देख रहे हैं। अब भाजपा प्रेमी मुसलमान की इस तरह मौत देकर दिगर मुस्लिम भाजपाइयों में भी डर खौफ देखने की इत्तला हासिल हुई है। कई जगहों पर भाजपा के करीब जाने का इरादा करने वाले मुसलमान अब थोड़ा रुकते नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर भाजपा में शिरकत करने वालों को मुनाफिक के तौर पर देखने की भी खबरें हासिल हो रही है। कुछ लोगों ने इसे सपा कारकुनान ने मारने का इल्जाम लगाया है तो समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान ने इसे मॉब लिंचिंग कहा है, लेकिन इस तरह की मॉब लिंचिंग पहली मर्तबा हुई है। अक्सर मुसलमान या दलितों की मॉब लिंचिंग भाजपाई या हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से करते हुए देखा गया था, लेकिन किसी मुसलमान को महज भाजपा की हिमायती होने के बिना पर जान से मारना भी बहुत कुछ बयान करता है। यकीनन कोई भी भारत का शहरी किसी भी पार्टी का कारकुन बन सकता है, लेकिन भारत में धर्म जात पात का सियासी ध्रुवीकरण हो रहा है। भाजपा को मुस्लिम मुखालिफ के तौर पर देखा जा रहा है, सियासत भी इसी इर्द गिर्द घूमती रहती है। और अब तो जहां भी भाजपा हुकूमत है वहां मुसलमानों के खिलाफ कानून मंजूर करने के साथ नई नई तरकीबों के जरिए मुस्लिम माशरे को परेशान करने का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। मुसलमानों में भाजपा को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है, लिहाजा बाबर का मुसलमान होने के बावजूद भी भाजपा की हिमायत मौत का सबब बनना अब एक नया पैगाम ही कहा जा सकता है। भाजपा में रहने वालों को मुनाफिक की तरह देखना भी कई मुस्लिम भाजपाइयों को सोचने पर मजबूर जरूर कर सकता है। मौत के बाद मुसलमानों का जनाजे में शरीक न होने की भी बात सामने आई है। आखिरकार भाजपा के ही कारकुन इसमें शरीक हुए हैं। अब यह तस्वीर देख सकते हैं जिसमें अक्सर भाजपा और गैर मुस्लिम ही शरीक होने की बात यहां पर कही जा रही है। कब्रिस्तान में दफन भी करने नहीं देना चाहिए, ऐसा कईयों का मुतालबा रहा। जनाजे में भाजपा MLA PN पाठक ने कंधा दिया। बाबर के जनाजे में मुसलमानों ने ना के बराबर शिरकत की, लिहाजा बाबर के मौत से मुस्लिम भाजपाइयों के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। हर फर्द किसी भी पार्टी का मेंबर तो बन सकता है, लेकिन मजहबी तफरका इस हद तक बढ़ चुका है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी और हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी के तौर पर पहचाना जाता है। बाबर अली की मौत ने एक नया मसला उन लोगों के लिए खड़ा किया है जो जाति मुफाद के लिए पार्टियां बदलते हैं कौमी मुफाद को नजरअंदाज कर, इतना तो जरूर कह सकते। आज 10वीं इम्तहानात शुरू हुए, पहला पर्चा लिखा गया। बेलगाम में किसी तरह हिजाब का मामला कहीं पर भी नजर नहीं आया। MLA अनिल बेलगे ने खुद इम्तिहान गाह पर पहुंचकर तलबाओं को गुलाब का फूल दिया और कामयाब होने की बात कही। पर चिकोड़ी में पहले पर्चे को ही फर्जी इम्तिहान देने वाले 6 लड़कों को पकड़ा गया। पूरी रियासत में आज 10 इम्तिहान शुरू हुए। बेलगाम के साथ चिकोड़ी में भी तलबाओं ने शिरकत फरमाई। पर चिकोड़ी सेंटर पर सुपरवाइजर की जानिब से हॉल टिकट चेक किए गए तो 6 फर्जी नौजवान किसी और के नाम से इम्तिहान देते पकड़े गए। आखिर में इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस महकमा के हवाले किया गया।
हिजाब मामला अभी थमने को तैयार नहीं है। इलकल में 10वीं इम्तिहान को हिजाब निकालने के लिए कहा तो मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ घर लौटना पसंद किया। दक्षिण कन्नड़ जिला में भी हिजाब न निकालने का फैसला लेते हुए 350 से भी ज्यादा लड़कियों ने इम्तिहान न देने का फैसला लिया। इसी तरह 10वीं इम्तिहान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक तुलबा की मौत हो गई। यह मामला मैसूर में पेश आया। इम्तिहान लिखते वक्त दिल का दौरा पड़ा जिससे डेस्क से नीचे गिर गई, जिसके बाद मौत हो गई। एमएलए बेलगाम नॉर्थ अनिल बेनगे ने आज पानी मसले पर एलएनटी के कारकुनान को अगर पानी सही तरीके से नहीं छोड़ा गया तो दरख्त को बांध कर पीटा जाएगा ऐसी धमकी दी। वाजह रहे कि पिछले 8 दिनों से बेलगाम शहर के अक्सर इलाकों को पानी सप्लाई नहीं हो रहा, जिससे धूप के सख्त मौसम में पानी से ही महरूम होने की नौबत आन पड़ी है। इसी मद्देनजर आज कारपोरेटर की जानिब से मुतालबा पेश किया गया। एमएलए अनिल बेनगे ने एलएनटी के आला अहदेदारान को बुलाकर इन्हें सख्त अल्फाजों में हिदायत देते हुए कहा कि अगर आवाम को सही तरीके से पानी नहीं दिया गया तो दरख्त को बांध कर पिटा जाएगा। कारपोरेटरों ने भी इस वक्त जोरदार आवाज बुलंद करते हुए कहा कि कुछ जगहों पर 15 से 20 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, लिहाजा धूप के दिनों में बिना पानी के कैसे गुजारा हो सकता है। जाहिर है आवाम कारपोरेटरों को ही सवाल पूछेगी, ऐसा भी कहा गया। इससे पहले भी कई मरतबा मीटिंगों का एहतमाम किया गया था। 5 टैंकर्स पानी के लिए चलाए गए तो बाकी टैंकर्स कहाँ है, ऐसा भी सवाल पूछा गया। 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा करके पंप सेट बिठाया गया। अगर पानी नहीं है तो बात अलग है, लेकिन हिडकल डैम में पानी भी सही मकदार में है, इससे आगे पानी का मसला न खड़ा हो, ऐसा अनिल बेनगे ने कहा। एक और बात का जिक्र इस वक्त करना बहुत जरूरी है कि मेले यात्राओं में मुस्लिम ताजिरों को तिजारत करने पर हिंदुत्ववादियों की जानिब से आवाज उठाई जा रही है। लिहाजा भाजपा एमएलए अनिल बेनगे ने इस तरह का कोई मामला बेलगाम में होने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहकर सभी को चौंका दिया। कुर्ची जुनदिया हाईस्कूल ग्राउंड में सर्वधर्म सम्मेलन के नाम से कौमी एकजुटी इजलास को मुनक्कद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में तमाम मजाहिब के लोगों ने शिरकत फरमाई। मुल्क में बढ़ते तशद्दुद के वाकियात, नफरत का माहौल कभी मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकता, लिहाजा आपसी इत्तेहाद भाईचारा ही मुल्क को कामयाब बना सकता है, ऐसा स्वामी जी और मौलानाओं ने कहा। कुर्ची में सर्वधर्म सम्मेलन काफी कामयाब इजलास रहा है। इसके कन्वेनर यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट के अशफाक मड़की ने इजलास को कामयाब बनाने में इनकी कोशिशें रही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जो लोगों को बताना है न बेचो तुम गवाही को। एक बात कहना चाहता हूं मैं, वोट देना एक गवाही है, एक शहादत है। न बेचो तुम गवाही को किसी नेता की वाहवा में, हुआ है रब से अहमद की के अमन हो देश में मेरे, दुआ है रब से अहमद की के अमन हो देश में मेरे। कसम से हो अगर ऐसा जहां में दे सुहाना है कसम। मुस्लिम हंगला मुंदिन सर एल्लरू कूड्रि ಕೂಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತದ. ದೇಶ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೀವ್ರಿ, ದೇಶನ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇಹಾಭಿಮಾನಕ್ಕಿಂತ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ. ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಗ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೊಂದ್ ಏನು ಆತಂಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರೇ ಒಂದು 4 ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅನುಭವಿಸೋದು ಬೇಡ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತದ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕುಡುಚಿನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಐವಳಿ ಅವರು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಮಡಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. एहतराम इंसानियत की तालीम दी है, भाईचारगी की तालीम दी है, मोहब्बत की तालीम दी है और प्यार मोहब्बत को कायम रखने की तालीम दी है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात में बात मिलती है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम अहले बेलगाम को मुबारकबादी पेश करता हूं कि हम सभी हजरात आज हजरत सैयद मीरा शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक में सभी हजरात शिरकत की सआदतें बरकतें हासिल कर रहे हैं और इस उर्से पाक में कसीर तादाद में उलमाए किराम, हुफाज़े किराम, अइम्मे किराम की नूरानी जमात यहाँ पर मौजूद है और ये 400 साल पुरानी खानकाह है हज़रत मीरा शाह वली दरगाह शरीफ सेंट्रल बस स्टैंड के बाहर। तो यहाँ हज़ारों की तादाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग यहाँ हाज़िरी देने के लिए हाज़िर होते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और ये 400 साल पुरानी खानकाह है हज़रत मीरा शाह वली रहमतुल्लाह अलैह बेलगाम और दरगाह कमेटी की बेपना यहाँ खिदमत हैं। दरगाह कमेटी की हमेशा यहाँ खिदमतें रही हैं और हर बुधवार के दिन यहाँ लंगर आम का प्रोग्राम भी होता है और संदल शरीफ का प्रोग्राम भी होता है और यहाँ लंगर आम भी होता है। दरगाह कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं इनकी बड़ी यहाँ खिदमतें हैं, अल्ताफ भटकली, इलियास मुल्ला, मोहम्मद जफीर चचेड़ी, बदरुद्दीन भटकली, गुलफाम कागजी, आसिफ अंजलमणि, नदीम नबू वाले, मलिक खातिक, आदिल शाह सैयद और इनके साथ जितने भी लोग दस्त बाजू बनकर इनके साथ काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को चैनल के हवाले से मैं मुबारकबादी पेश करता हूं और मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि यकीनन आप अल्लाह के दरगाह की आप खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह वाले के यहाँ आप अल्लाह वाले के यहाँ आप जो काम कर रहे हैं अपने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं, इसी तरह आप काम करते रहें।